चलो आज हम बात करेंगे बेटा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैसे साउंड बनती है, और आज हम देखेंगे कैसे साउंड प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम के लिए, है ना। तो साउंड को समझने के पहले सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी वेव के बारे में। तो वेव क्या है, दो तरीके की वेव्स थी। एक कौन सी थी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड द सेकेंड वन इज द मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव थी जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती जिनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो साउंड कैसी है बेटा, इट्स अ मैकेनिकल वेव। अब प्रोपोगेशन का मतलब होता है साउंड का चलना, कैसे साउंड चलेगी बेटा, है ना। देखो समझते हैं पहले इसमें। ये देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दिस ये एक तरीके सोर्स है ना, जैसे मान लो स्पीकर है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड। अब साउंड निकल रहा है तो साउंड किस फॉर्म में निकलता है बेटा, वेव के फॉर्म में निकलता है। और वेव के पास क्या है बेटा, वेव इज हैविंग एनर्जी। इस एनर्जी को ट्रैवल कराने के लिए हमें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहिए। देखो सर, अब कल मैंने बात करी थी, जब भी क्या था, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क था, जब उसको हम राइट की तरफ ले जाते थे तो एक रीजन बनता था जहां पे क्या था बेटा, कंप्रेशन, और एक रीजन कैसा बनता था बेटा, रियर फ्रैक्शन। तो साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, इट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो अब यहां पे कुछ रीजन दिख रहा होगा जहां पे क्या है बेटा, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे है बेटा, पास पास। तो ये रीजन कैसा बन गया, दीज ऑल आर कंप्रेशन, और ये कैसा बन गया, दे आर रेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो अब देखो दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, या दो रेयर फ्रैक्शन या दो कंप्रेशन के जो बीच का डिस्टेंस, उसे भी हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, वेवलेंथ है। एक वेव हमारी कैसी होगी बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। देखियो ये, देखो ये क्या है, इस तरीके के मॉलिक्यूल से पहले बिना डिस्टर्बेंस के जैसे ही इसमें क्या लगा दिया बेटा, आपने क्या लगाया, साउंड का एक सोर्स लगा दिया, तो उसने क्या करा, एक एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया। जैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई, उस एनर्जी को ट्रांसफर कौन करेगा बेटा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, मीडियम के पार्टिकल्स। तो मीडियम के पार्टिकल कंप्रेस भी हुए, फिर उसके बाद क्या हो गए, अपनी पोजीशन से दूर भी हो गए। तो जब मॉलिक्यूल्स या एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, देन वी कैन से दैट द रीजन इज फाउंड विच इज ऑफ हाई प्रेशर जोन, है ना। मतलब वहां पे क्या, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन, अदरवाइज इट इज अ रेयर फ्रैक्शन। चलो इसको हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। चलो क्वेश्चन देखते बेटा इस पे। देखिए, बाय व्हाट प्रोसेस द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर। देखो देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ द साउंड वेव बाय द सरफेस। ऐसा नहीं है, जैसे मान के चलो एक सरफेस है, ये क्या है बेटा, एक सरफेस है, इस पे आपने क्या करा, स्ट्राइक कर दिया, आपने क्या लगा, एक फोर्स लगा दिया इस पे। ठीक है, तो सरफेस क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये कैसा है बेटा, सोर्स है। हमने यहां पे क्या कर दिया, वी हैव डन सम मैकेनिकल वर्क, है ना। इसके बाद देखो, तो ये क्या, इसका कोई लेना देना नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। दूसरा देखो, वाइब्रेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक, गलत ये भी बेटा। फ्लो ऑफ द एयर करंट अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स, ये तीनों ऑप्शन कैसे बेटा, गलत। अब ये सही वाला कौन सा है, देखो इधर, जब साउंड ट्रैवल करेगी एयर में, देखो पहले कुछ रीजन बनाएगा, कौन सा, कंप्रेशन, इस तरीके के रीजन बनाती हुई, चल दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, अगेन दिस इज कंप्रेशन, कुछ इस तरीके का रीजन बनाती हुई चलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा, ये डी ऑप्शन। इसको हम लोग समझ चुके हैं कि एक जो मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है सेकंड पार्टिकल को, फिर सेकंड वाला थर्ड के, और थर्ड वाला आगे फर्दर वो ट्रांसफर करता चला जाए। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, साउंड कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, है ना। साउंड सॉलिड भी चल सकती है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसके लिक्विड में भी चलती है, और गैसेज में भी नहीं चलती, वैक्यूम में नहीं चल सकती। क्यों, क्योंकि इट रिक्वायर्स मीडियम साउंड को, इसकी रिक्वायरमेंट बेटा, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम पढ़ेंगे बेटा, विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव्स। चलो सबसे पहले समझते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हमारे पास, लाउडनेस। देखो सर, जैसे मान लो एक पर्सन है बेटा, दो पर्सन है, है ना, ये इसने क्या बोला, इसने बोला कुछ, कुछ इसने क्या बोला, बोला इसने, ठीक है, बस ये क्या कर रहा है, यहां पे एक पर्सन सिर्फ इसको सुनाई दे रहा है, एक पर्सन यहां पे है पीछे, है ना। तो यहां तक उसकी वेव्स नहीं पहुंच पा रही, डाई आउट हो जा रही, तो इसका मतलब जो इसने बोला ये केवल इसी को सुनाई दिया, इसको सुनाई नहीं दिया, है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, लाउडनेस का मतलब होता है चिल्लाना,
है ना, चिल्ला दिया किसी ने, तो लाउडनेस एक ऐसा पैरामीटर या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, है ना, या साउंड वेव की, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक पैरामीटर के थ्रू डिफाइन करते हैं बेटा, दैट इज एम्पलीट्यूड। देखो तो अगर जहां पे भी वेव होगी वहां पे देखो वहां पे एम्पलीट्यूड आएगा, समझते हैं इसको बेटा। देखिए ना, हम दो वेव्स बनाते हैं, पहले देखो एक वेव ऐसी बना दी हमने, कुछ इस तरीके से वेव बन गई बेटा, एक और वेव बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमने बना दी। देखो दो वेव दिख रही, एक वाइट वाली और एक ग्रीन वाली, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसमें क्या है, यहां से जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसका भी क्या होगा ये एम्पलीट्यूड। अगर मान लो दिस इज ए वन, ये ए वन है और ये क्या है मान लो दिस इज ए टू, आपको पता चल रहा है यहां से जो ए वन की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है बेटा, ए टू से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन ऐसी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब पहली वाली वेव की अगर हम बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा होगा ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, ए टू के कंपैरिजन में, है ना। तो एक ऐसा पैरामीटर जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, लाउडनेस पे, साउंड लाउडनेस का पैरामीटर है किस पे डिपेंड करता है बेटा, एम्पलीट्यूड पे, है ना। तो जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज्यादा साउंड कैसी बेटा, लाउड। जैसे हम कोई चीज प्यार से बोले उसके बाद एकदम से चिल्ला दे तो ऑब्वियस सी बात, हमने क्या कर दिया, मैंने क्या चीज बढ़ा दी बेटा, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया मैंने, है ना, मैंने क्या बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो यहां से हमको इतना समझ में आ गया कि हमारा जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। लेकिन डिपेंड कैसे करता है भाई, हमको पता चलो डिपेंड करता है, लेकिन याद रखिएगा लाउडनेस डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड कैसे करता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, हमेशा किसके करता है बेटा, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एल इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आप ये याद रखेंगे हमेशा यहां पे, ए क्या है बेटा, ए इज द एम्पलीट्यूड। ऑफ द साउंड ठीक है, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, लेकिन कैसे करेंगे बेटा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, ठीक। चलो पहला पैरामीटर तो हमारा क्लियर हो गया, लाउडनेस है भाई, किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, ठीक। इसको समझते हैं, ये क्या हो गया, एल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन कैसे आता है, दो साउंड है जिनकी अलग अलग लाउडनेस है, एल वन है एल टू है, इसको कैसे इक्वेट कर लोगे बेटा, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे डिफाइन करूँ, तीन चीज़ें आपको दी होंगी, चौथी चीज़ क्या करेगा आपसे पूछ लेगा, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करते हैं बेटा, पिच। देखो पिच क्या है, एक्चुअल में देखिए फिर से दो वेव कंपेयर कर लेते हैं हम, पहले देखो एक वेव बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक वेव और बना लेते हैं बेटा, देखो लगभग डिस्टेंस अगर सेम है ना, मान लो लेंथ किसी बेटा, दोनों की सेम लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे देखो सेम लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहां पे कितनी वेव्स फॉर्म हो रही है, लेस नंबर ऑफ वेव्स, यहां पे कैसी फॉर्म हो रही है बेटा, मोर नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना। देखो अब इसका ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहां का जो एम्पलीट्यूड है बेटा, ये क्या है मान लो, ये ए वन है और ये क्या है बेटा, दिस इज ए टू, तो हमको क्या पता लग रहा है, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, ऑब्वियस ही बात है, अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा तो नंबर ऑफ वेव्स भी फॉर्म होंगे, कैसी हुई बेटा, बराबर हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड कम है इस वजह से क्या होता है, ज्यादा वेव्स बन पा रही है, जितनी वेव्स बन पा रही, मान लो एक सेकंड में ये थ्री वेव बना रहा है, नीचे वाला कैसा है बेटा, ज्यादा बना रहा है, द नंबर ऑफ वेव्स और द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग टेक्निकली किससे बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी से, है ना। देखो अब अगर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गई मान लो एफ वन, ये क्या हो गया बेटा एफ टू, तो इसमें ज्यादा वेव बन रही है, तो डैट मीन्स एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन,
क्लियर हो गया? तो पिच हमारा एक ऐसा पैरामीटर है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्लियर हो गया? तो पिच हमारा जो पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पे. चलिए समझते हैं इसको. देखो पिच में इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. अब इसका क्या मतलब है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े है ना, तो कैसा हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? इसके जो एम्पलीट्यूड है कम हो जाएंगे और वाइस वर्सा है. फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड्स बढ़ गए. अभी हम लोगों ने वेव के थ्रू देखा था, यही बात हो गई. जिसका जितना एम्पलीट्यूड इसका उतना क्या हो जाएगा बेटा? साउंड विल बिकम लाउड. इसका मतलब ये जो साउंड थी ये कैसी थी बेटा? लाउड साउंड है. ये कैसी साउंड है बेटा? थोड़ी सी फीबल साउंड है. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? देखो इसका नाम क्या है? दिस इज लाउड साउंड एंड दिस इज फीबल. ठीक है, एक तो ऐसे समझ में आ रहा है इसमें, है ना? ये जो रिलेशन था हमारा किसके रिस्पेक्ट में था बेटा? एम्पलीट्यूड का और है ना फ्रीक्वेंसी का रिलेशन. तो जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी लाउडनेस कम हो जाएगी. इसकी कैसी होगी बेटा? लाउडनेस कम. तो ये तो पैरामीटर पुराना वाला था. अब अगर हमको रिलेट करना है बेटा फ्रीक्वेंसी को, समझो मान लो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, ऐसे समझते, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा बेटा? इट की जो आवाज है वो कैसी हो जाएगी बेटा? श्रिल. कैसी हो जाएगी बेटा? श्रिल, है ना, पतली आवाज हो जाएगी. अगर हम पिच के बारे में बात करेंगे तो पिच को अगर बोला जाए तो मतलब पिच एक ऐसा पैरामीटर जो किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पे. और फ्रीक्वेंसी का किसका रिलेशन? इसका हमेशा उल्टा रहता है. लेकिन अगर हमको मान लो पूछना है कि भैया पिच के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिसका पिच कैसा हो बेटा? ज्यादा, मतलब पिच कैसा हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. एक ऐसा पैरामीटर है जो जिस पे डिपेंड करता है बेटा फ्रीक्वेंसी के. फ्रीक्वेंसी बढ़ा रखी है तो उसका मतलब क्या है? उसका पिच ज्यादा है. तो ज्यादा पिच है तो उसका मतलब आवाज कैसी है बेटा? श्रिल है. मतलब कैसी आवाज है? पतली सी है, सुरीली सी आवाज है ना. और वहीं पे जस्ट उल्टा हो जाए कि मान के चलो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाए बेटा? कम हो जाए तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा. तो आवाज कैसी हो जाएगी बेटा? भारी हो जाएगी, है ना. तो ये जो हमारा एक पैरामीटर है पिच, ये क्या करता है? इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल साउंड, है ना. पिच मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा? मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में क्या कर सकते हैं बेटा? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और तरीका समझो कैसे क्या है? जैसे मेल का के अलावा बाकी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे शहनाई हो गई, है ना, तो उसकी आवाज़ सुरीली होती है, बहुत पतली होती है. और वहीं पे तबला बजा दिया जाए, है ना, ड्रम बजा दिया जाए, तो दोनों की जो आवाज़ें हैं वो ऑब्वियसली बात है क्या है बेटा? अब डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो कौन सा पैरामीटर है वहाँ पे? पिच. पिच या फ्रीक्वेंसी. और समझते हैं, ऐसे जैसे बाल्टी है, बकेट है, मान लो एक है ना, एक बकेट है बेटा. इसको जब टैप से आप भरना स्टार्ट करते हैं, मान लो पानी गिरना स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है बेटा? बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है. इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पानी भरता चला जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी आवाज़ हमें पता लग जाता है कि बाल्टी भरने वाली है ना. तो यहाँ से हम समझते हैं, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी अगर ये एल लेंथ की है, ये मान लो क्या है बेटा, टोटल बाल्टी आपकी कितनी एच हाइट की है. अब मान लो पानी भर गया पूरा, है ना. इसके बाद अगर ये हाइट कितनी है बेटा? लेंथ. मतलब ये एल क्या है? जितना उसमें हवा भरी है. पानी भरे वाले की लेंथ नहीं बात कर रही है. जो एल की वैल्यू क्या है बेटा? जितना उसमें एयर है. तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के, है ना. जितनी कम लेंथ हो जाएगी, मतलब लेंथ कम होने का मतलब क्या? पानी पूरा भरता चला जाएगा और ऊपर तक भर जाए मान लो, तो लेंथ और कम हो जाएगी, है ना. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का मतलब क्या है? उसकी पिच बढ़ जाना. पिच बढ़ने का मतलब क्या? साउंड कैसी हो जाएगी बेटा? सुरीली हो जाएगी. तो कभी ध्यान से देखना, जब बकेट भरता है तो बहुत महीन सी, बहुत बारीक सी, बहुत पतली सी आवाज़ आती है, बहुत अच्छी सी आवाज़, है ना, पहले के कंपैरिजन में. तो हम समझ जाते हैं कि बाल्टी कैसी बेटा? भर जाएगी. तो यहाँ पे दो पैरामीटर हमको मिल गए. पहला वाला पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. और सेकेंड वाला क्या है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो थर्ड देखते हैं बेटा. एक और पैरामीटर हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको? क्वालिटी. और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं उसको? टिम्बर.
क्वालिटी और टिम्बर दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। अब समझते हैं, अगर एक ऐसी साउंड हो जाए जिसके पास क्या हो बेटा, है ना, जिसकी लाउडनेस भी क्या हो सेम और पिच भी सेम हो, लेकिन उसके बावजूद हम डिफ्रेंशिएट कर पाए दो साउंड्स के बीच में, है ना, या दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई ये से गिटार से आ रही आवाज है ना, ये वॉयलिन की आवाज है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, ठीक है, तब कैसा होगा, एक ऐसा पैरामीटर काम आएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, क्वालिटी और टिम्बर। अब देखो ये जो पैरामीटर है क्वालिटी या टिम्बर किस पे डिपेंड करता है बेटा, देखते हैं। देखो मान लो एक वेव है, कुछ वेव्स बना लेते हैं बेटा, दो तीन बना लेते हैं, देखिए पहली बनाते हैं बेटा, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन के आ रहा है, बाहर बार बनता चला जा रहा है ना, तो ये एक तरीके कुछ बन गया, ठीक है। दूसरा बनाते हैं बेटा, कुछ इस तरीके का है, एक और वे बना लेते हैं, इसका पैटर्न कैसा है, कुछ इस तरीके से है, अब देखो ये सारी क्या है बेटा, दे ऑल आर साउंड, है ना, तो इन साउंड का इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली दिस इज अ वेव फॉर्म, दिस इज व्हाट, दीज आर द वेव फॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर वेव का कैसा पैटर्न है, क्या उसका फॉर्म है, है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर फॉर्म, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, है ना, तो ये जो फॉर्म है ये एक्चुअल में क्या है बेटा, वेव फॉर्म है ना, तो जो साउंड जिसका क्या हो लाउडनेस सेम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उस वेव के पैटर्न को देखकर, है ना, या उसके वेव के फॉर्म को हम देखकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये किस पे हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा तुरंत ही, किस पे डिपेंड करता है बेटा, एम्पलीट्यूड पे, जबकि कायदे से तो स्क्वायर पे, है ना। दूसरा कौन सा है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म, इसको कायदे से स्क्वायर ही कर दो, नहीं भूल जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों पैरामीटर्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए बेटा, कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इसमें एक काम की चीज है, जब आप किसी से कंपेयर करोगे ना, तो बाकी सारी चीजों को क्या करोगे बेटा, कॉन्स्टेंट मान के चलोगे, जैसे क्वालिटी के बारे में आपने समझा या टिम्बर के बारे में, तो क्या हो गया, बाकी जो दो चीजें थी वो फिक्स थी बेटा, सेम मानी, लाउडनेस को सेम माना और पिच भी सेम माना, मतलब दो साउंड थी जिनकी बाकी दोनों चीजें कैसी बेटा, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल सेम। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो लाउडनेस ऑफ अ टाइम ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, किससे डिपेंड करता है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, डिपेंड तो करता है लेकिन करता कैसा है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, बोलना नहीं इसको, ठीक है। चलो अब देखिए, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट, जितनी ज्यादा लाउड हो जाए किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, Whose voice is likely to have minimum frequency? देखो अब ये क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है बेटा, पिच है ना, पिच ही तो है, और पिच डिपेंड किस पे करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे। चलो पहले देखते हैं बेटा कौन है, बेबी गर्ल है, छोटी लड़की है ना, तो इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी बेटा, हल्की सी, कैसी होगी, स्ट्रिल, मतलब उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेव कैसी बन जाएगी बेटा, लगभग समझ लो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, कुछ इस तरीके से बन गई सेम डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये बेबी गर्ल का बन गया, चलो बॉय का बना देते हैं बेटा, तो बॉय है तो थोड़ा सा कैसा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ज्यादा बनाएंगे इससे, है ना, तो ये सेकंड वाला किसका बन गया बेटा, बॉय का, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट देखो बेटा, मैन, इसके बाद वो मैन की बात कर रहा है, तो मैन का तो देखो ऑब्वियस बात एम्पलीट्यूड कैसा होगा बेटा, इसका ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये देखो। इसके बाद एक उसका बना लेते हैं लास्ट में, है ना, गर्ल का या वुमेन का, तो वुमेन का कैसा होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बेटा, ऑब्वियस बात है रेड वाले की, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अ मैन, इट विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो स्टिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, अच्छा अब देखो किस पे ये डिपेंड करती है। स्टिलनेस जो हमारा पैरामीटर है वो क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन पिच। स्टिलनेस का मतलब होता है कितनी पतली आवाज है, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड बिकम थ्राइस, है ना, एम्पलीट्यूड कैसा हो जाए बेटा, थ्राइस हो जाए। मान के चलो लाउडनेस L1 थी, कब, जब एम्पलीट्यूड कैसा था बेटा, A1 कर लेते हैं उसको, है ना, ये इनिशियल था बेटा, L1 वैल्यू थी। अब सेकेंड केस में क्या है, हमने क्या कर दिया, A2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 टाइम्स ऑफ A1, यही तो बोल रहा है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स व्हाट, बिकम थ्राइस, तब आपको क्या बोल रहा है, लाउडनेस में कितना चेंज आएगा, देखो भाई L1 अपॉन L2 A1 स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर, दिस विल बिकम A1 स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर, यही ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/9। इसका क्या मतलब हो गया, L2 विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ L1, है ना? तो पहले की जो लाउडनेस थी उससे कितना हो गया बेटा, लाउडनेस बिकम 9 टाइम्स, मतलब उससे ज्यादा हो गए। डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने क्या करा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द पिच ऑफ अ साउंड प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द मेनली, किस पे डिपेंड करती है बेटा, चलो सॉरी, द पिच ऑफ अ साउंड प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ डज द एम्पलीट्यूड इफेक्ट द लाउडनेस ऑफ वाइब्रेशन, देखिए ये एक वेव है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है चलिए इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं बेटा कौन सा, हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द वॉइस, बिल्कुल सही मिल गया, है ना, हायर द एम्पलीट्यूड लेसर इज, भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है चलो क्लियर है इसमें, वॉइस है ना, लेसर के बजाय यहां पे क्या कर देंगे हम, फीबल, है ना, फीबल कम। चलो अच्छा, हाउ डज द एम्पलीट्यूड इफेक्ट द लाउडनेस, अब देखो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे हायर हो जाएगा तो लाउड कैसी हो जाएगी बेटा, लाउडर हो जाएगी। इसके बाद हायर द एम्पलीट्यूड लेसर इज द वॉइस, गलत है, लोअर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द वॉइस, ये क्या है, लोअर द एम्पलीट्यूड लेसर इज द वॉइस, तो कायदे से तो चलो ये ऑप्शन है। इसके बाद ये भी कैसा हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा अगर फीवर लिख दिया जाएगा तो, है ना, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, वो बोल रहा है अगर बढ़ेगा तो इसमें भी कैसा होगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम, तो कैसे हो जाएगी, लाउडनेस हमारी कम हो जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। व्हाई द साउंड ऑफ द बॉडी इज फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, हल्की आवाज, बहुत धीमी आवाज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीबल आवाज। फीबल क्यों होती बेटा, एम्पलीट्यूड की वजह से। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बिकॉज इट्स एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है। अब समझ लो पहले, देखो इसको क्या है, जैसे देखिए हम जो बनाते हैं अभी बार बार, है ना, हमने कैसा बना रखा है, ये कुछ इस तरीके से बनाया, बनाते हैं हमेशा, मतलब एम्पलीट्यूड कभी कमी नहीं हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है टाइम के साथ, कैसा है बेटा, एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना, होता कैसा है देखो बेटा, एक्चुअल में कैसा होता है, ये जो साउंड होती है ना, टाइम के साथ कैसी होती चली जाती है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है। देखो इसका एम्पलीट्यूड अगर बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा है, धीरे धीरे कैसे होते चले जाते हैं, एम्पलीट्यूड कम होते 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 एकदम से कैसे हो जाते हैं बेटा, डाई आउट हो जाते हैं, है ना। ये कहाँ की बात हो रही है बेटा, ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज इन एयर, एयर की बात कर लो, है ना, ऐसा है। तो यहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड
डाइज आउट, है ना। तभी तो ऐसा नहीं कि अगर आपने चिल्लाया तो वो बहुत दूर तक रहता है या हमेशा के लिए रहता है या बहुत देर जो दूर जो पर्सन है उसको भी सुनाई देगा। बिल्कुल पास वाले पर्सन धीमे से बोलो तो क्या होता है, पास वाला सुन पाता है, बगल वाला नहीं सुन पाता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में, दिस ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है बेटा प्रैक्टिकल। क्यों ऐसा होता है, इस तरीके के जो वाइब्रेशन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डैम्ड वाइब्रेशन, या इनकी जो फ्रीक्वेंसी देखो लगातार कैसी होती है बेटा, ये देखो एम्पलीट्यूड कैसा होता जरा घटता चला जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें रेजिस्टिव फोर्स वगैरह काम करती है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, हाँ लाउडनेस को हम मेजर किस में करते हैं बेटा, डेसिबल में, ठीक है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, हर्ट्ज की है बेटा फ्रीक्वेंसी। सेकंड में हम लोग क्या मेजर करते हैं, टाइम पीरियड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। और लाउडनेस को जैसे मान लो मेजर करना हो तो लाउडनेस इज मेजर्स इन डेसिबल, ठीक ये दिया हुआ है तो ऑप्शन बन जाएगा बेटा पहला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, ऑब्वियस ही बात है कैसा हो जाएगा बेटा, लाउड साउंड कई बार देख चुके हैं उसको बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, है ना। दुनिया में बहुत तरीके के साउंड्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हम सुन पा रहे हैं वही साउंड है, बहुत सारे वाइब्रेशन, हर एक ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे समझो क्या है, एक स्ट्रिंग है मान लो, इसको क्या कर दिया आपने, प्लग करा और बीच से यहाँ से प्लग कर दिया, बिल्कुल सेंटर पे प्लग करा, तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, है ना। तो इसमें भी क्या आ गए, वाइब्रेशन, इसमें भी वाइब्रेशन आ गए। अगर इसमें वाइब्रेशन आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेव जनरेट हो गई, है ना, वेव है। अगर वेव बन गया टू एंड फ्रो मोशन तो ऑब्वियस ही बात है इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी कुछ ना कुछ, इसकी क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन हमें ये सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ईयर है ना वो सारी फ्रीक्वेंसीज को सुन नहीं सकते, एक पर्टिकुलर रेंज है हमारा सुनना, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं ऑडिबल या इनऑडिबल साउंड। देखो अगर कोई साउंड, तो हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेंज ऑफ हियरिंग, कहां तक सुनाई दे सकता है हमको, देखिए कहां तक है बेटा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये जो हमारा रेंज है दिस इज ऑडिबल, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज ऑडिबल। ठीक है, अगर कोई ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो बेटा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव्स। इसके जो नीचे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी हो भाई, साउंड है तो ऑब्वियसली बात है वेव होगी, वेव होगी तो इसका मतलब उसकी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंफ्रासोनिक, और इसके जो बाहर हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। तो ये रेंज है, हमको कहां तक सुनाई देता है बेटा, ऑडिबल रेंज है हमारी, सिर्फ यहां तक है, है ना, यही हमारी रेंज क्या है। अगर कोई साउंड जो इस रेंज में लाई करे वो क्या बन जाएगी, That will become audible for us. Otherwise, it is inaudible. हमें वो सुनाई नहीं देता। बाकी जबकि कुछ animals वगैरह होते हैं जो क्या हो सकते हैं, ये सब सुन सकते हैं, ये भी सुन लेते हैं और ये भी सुन लेते हैं। जैसे bats का example है ना, तो वो सारे होते हैं कैसे बेटा, dogs हैं, bats हैं, cats हैं, इनको आपको सुनाई देता है। तो जैसे कभी भूकंप वगैरह आते हैं तो ये लोग पहले क्या होते हैं बेटा, उस vibrations को पहचान लेते हैं, इस वजह से भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको देख के सब भागते हैं, थोड़ी देर तक तो आ ही जाता है ना। ठीक, चलो ये था आपका ऑडिबल और इनऑडिबल। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें देखिए द मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर्स, है ना, हमारा रेंज यहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो मिनिमम इतना ही है, इससे नीचे हो जाएगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, बस ये लोअर लिमिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज लोअर लिमिट है एंड दिस इज अपर।
चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाई ह्यूमस। तो भैया आप चुपचाप देख लीजिए, 20 हर्ट्स से लेकर कहाँ तक आए बेटा, 20,000 हर्ट्स के बीच में अगर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, है ना, इट कैन बी हर्ड। देख लो कौन सा है इसमें बेटा, इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 15,000 हर्ट्स। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इट कैन बी हर्ड, ये कैसी हो जाएगी बेटा, ऑडिबल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमंस के लिए कैसी बेटा, ऑडिबल। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर अनएबल टू हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। भैया जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए बेटा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है हम सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी रेंज की ऐसा हो गया बेटा, बाहर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज्ड इन द सोनार, है ना, सोनार टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सी बेड। देखो क्या है सोनार, समझते हैं उसको बेटा। देखो व्हाट इज सोनार, फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म क्या है इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे मान लीजिए समुद्र है बेटा, है ना, नीचे क्या है बेटा, सी है, ओशियन है, कुछ भी है। देखो सर इसमें क्या बनाते हैं, एक शिप को बनाते हैं, पहले ये शिप है मान लो, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या लगे होते हैं, दो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है बेटा ट्रांसमीटर और एक होता है क्या, रिसीवर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमिशन क्या करता है बेटा, ये साउंड वेव्स को भेजता है, है ना, साउंड वेव जाती है, टकरा के क्या होता है, वापस आती है, ठीक है। अब मान लो जब बिल्कुल समुद्र में कुछ नहीं था तो इसने क्या करा, टाइम को कैलकुलेट कर लिया, मान लो 10 सेकंड लगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 सेकंड जाने में और 5 सेकंड आने में। कौन सी वेव्स हम भेजते हैं इसमें, मान के चलो अल्ट्रा सोनिक वेव्स मान लीजिए उसने भेजा, है ना, इसने भेज दिया, यहां से क्या साउंड जाएगी, टकरा के आएगी। अब मान के चलो कि बीच में एक ऑब्स्टिकल रखा है, मान लो बड़ी सी मछली है, अब वो क्या होगा, जब साउंड वेव्स इस पे जाएगी तो जल्दी से टकरा के पहुंच जाएगी, भाई ये क्या तुम्हारा ऑब्स्टिकल है ना, तो अब ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो साउंड जा ही नहीं पाएगा, है कि नहीं, तो टकरा के क्या होगा बेटा, वो वापस चलाएगा, ठीक है। जब ये टकरा के वापस आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है इस बार जो टाइम लगेगा वो 10 सेकंड से तो बहुत कम लगेगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो इसी से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भैया जो सी है उसके नीचे क्या है, कुछ है, तो ये क्या होता है बेटा, दुश्मन की मतलब सबमरीन वगैरह भी पता कर लेते हैं, कोई आइसबर्ग हो तो पता कर लेते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो पता कर लेते हैं, या बड़ी सी कोई मछली हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं। चलो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं इसमें, अब समझते हैं इसमें। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, है ना, इन सोनार किस काम से आती है बेटा, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सी बेड्स, टू डिटेक्ट रेडियो वेव्स, टू डिटेक्ट द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं, हमारा मेन काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बैट सेंड्स आउट, है ना, हमें क्या हायर फ्रीक्वेंसी, स्क्वीज दैट ह्यूमन कैन नॉट हियर, ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी सेंड कर देता है बेटा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, बस, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए चल अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सॉलिड की, सॉलिड में, है ना, देखो वी इन सॉलिड ये कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट ई बाई रो, फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट ई बाई रो, ई क्या है बेटा, देखिए यंग्स मॉडुलस और
modulus of elasticity, है ना? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. रो क्या है बेटा? दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ठीक है, तो इसका मतलब देख लो, जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो पहला मीडियम हमारा क्या है बेटा? सॉलिड है. ये क्या हो जाएगा? इट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट e बाई रो. e क्या है बेटा? यंग्स मॉडुलस इज अ कॉन्स्टेंट. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है. हमें सिर्फ कितना मतलब है कि अगर सॉलिड मीडियम की बात करते हैं, देखो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो. रो यानी डेंसिटी. ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. अगर कहीं पूछे वी सॉलिड कैसे निकालोगे, स्पीड, दिस इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी. बस इतना सा रिलेशन है, तो रिलेशन आपको पता लग जाएगा. यह इनवर्स रिलेशन है, ऐसे कुछ है. ठीक है, क्लियर है. चलो अब सेकेंड मीडियम हमारा कौन सा है बेटा? लिक्विड. चलो समझते हैं इसमें. सेकेंड मीडियम कौन सा है बेटा? लिक्विड्स. देखो वी इन लिक्विड्स क्या हो जाएगा बेटा? जहां पे क्या था बेटा ई, वहां पे क्या हो जाएगा बी. बी बाई रो, कोई डिफरेंस नहीं आता. जहां पे ई था वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? बी. ये सारे कॉन्स्टेंट है. देखो व्हाट इज बी? बी इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी. Of the liquid. ये क्या रहता है बेटा? This is constant for a medium, है ना? या कोई एक fluid के लिए ये value कैसी रहेगी बेटा? Constant और ये दिया रहेगा. जहाँ पे आपका क्या था बेटा? E, वहाँ पे इस बार क्या बन गया? B. Velocity liquid is equals to B by rho. पहले कौन सा था बेटा? E by rho. चलो यहाँ पे दो चीजों का तो clear हो गया. चलिए third देखते हैं बेटा, gases के बारे में. जब gases के बारे में बात करी तो दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया बेटा. पहला कौन से थे? न्यूटन. दूसरे कौन से थे बेटा? लाप्लास. दो साइंटिस्टों ने दिया अलग अलग वैल्यूज बेटा. इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, है ना? इनके हिसाब से क्या हुआ? देखो वेलोसिटी इन गैसेस, ये क्या होता है बेटा? अंडर रूट पी अपॉन रो. इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया. इसमें पी क्या था बेटा? व्हाट इज पी? पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस. रो क्या थी बेटा? डेंसिटी ऑफ द गैस. भाई जब फिजिक्स इवॉल्व हो रही थी तो न्यूटन साहब जो कहते थे उसे सब लोग फॉलो करते थे. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. उस पर रूल लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, मान लिया गया. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो इनकी जो स्पीड आ रही थी बेटा वो बहुत कम आ रही थी. वो लगभग कितनी आई स्पीड ऑफ साउंड, है ना? ये हो गई लगभग 289 के आसपास, है ना, मीटर पर सेकेंड, या 290 के आसपास, है ना? तो वैल्यू कैसी होगी बेटा? कम हो गई. रूम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, है ना, तो इससे ये पता लग गया कि भैया फॉर्मूले में क्या है, कुछ ना कुछ गलती है. तो इन्होंने जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया था तो इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस माना था. उस प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल. इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? इट इज आइसोथर्मल. बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, है ना? यही करेक्शन इन लोगों ने किया था. इसका करेक्शन फॉर्म देखिए, हमें क्या कर दिया? वी इन गैसेस, इन्होंने क्या बोला कि सब कुछ सही है, एक और पैरामीटर ऐड कर दीजिए, गामा पी बाई रो. आप सिर्फ इतना ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना? यहां पे देखो गामा क्या है? गामा इज अ कॉन्स्टेंट. गामा इज अ कॉन्स्टेंट
गामा की वैल्यू क्या होती है, सी पी अपॉन सी वी. गामा इज द रेशियो विच इज डिफाइंड एज सी पी बाई सी वी. इन्होंने सिर्फ एक चीज ऐड कर दिया और जो प्रोसेस था उस प्रोसेस का नाम क्या कर दिया बेटा, एडियाबैटिक. मतलब जब साउंड वेव चलती है गैस में है ना, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है जो कैसा होता है बेटा, इट्स एन एडियाबैटिक. इन्होंने क्या माना था स्टार्टिंग में न्यूटन सर ने, तो न्यूटन ने बोला कि नहीं भाई वहां पे क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल. ठीक है चल आगे देखते हैं बेटा. चलो ये क्लियर हो गया. इससे बस इन्होंने सिर्फ इतना कर दिया, एक नया कांस्टेंट ऐड कर दिया था. इसकी वजह से जो वेलोसिटी आने लगी थी वो कैसी आने लगी बेटा, एक्चुअल में बिल्कुल सही आने लगी थी. कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पे है ना. ये सारी चीज़ें कैसी होने लगी बेटा, बिल्कुल सही आने लगी. या जीरो डिग्री की बात करें तो 334 वगैरह है ना, तो ये बिल्कुल कैसा हो गया बेटा, सही हो गया था सारा सिस्टम. चलो अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का हमें फॉर्मूला याद हो गया. पहला देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे. वी इन सॉलिड्स कैसे था बेटा, अंडर रूट ई बाई रो. ठीक है, वी इन लिक्विड्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जहां पे ई था वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई रो. थर्ड कौन सा है, वी इन गैसेस, कौन सा एक्सेप्ट हो गया बेटा, गामा पी बाई. गामा क्या है, इट इज द रेशियो सी पी बाई सी वी. सी पी क्या है बेटा, इसमें स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सी वी क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब जब गैस है तो गैस तीन तरीके की हो सकती है बेटा. पहली कौन सी हो सकती है बेटा, मोनो एटॉमिक. सेकेंड कौन सी है बेटा, डाई एटॉमिक. थर्ड कौन सी हो जाएगी बेटा, ट्राई एटॉमिक. तो ये सारा क्वेश्चन में दिया रहता है कि भैया कौन सी गैस है. इसके लिए आपको गामा की वैल्यूज भी दी होंगी है ना, 1.6 से 1.4 1.33. तो ये जो वैल्यूज रहती है सारी कैसी रहती है बेटा, आपको इसमें गिवन रहेगा, कुछ इसमें नई चीज आपको नहीं ऐड करना है, सब कुछ इसमें दिया रहेगा. तो डिपेंड करता है कौन सी गैस है, क्योंकि जब भी हम गैस की बात करेंगे ना तो प्रेशर और डेंसिटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गामा है ये गामा वेरी करता है प्रेशर गैस टू गैस, कि गैस अगर मोनोटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है बेटा. ठीक है, फॉर्मूले मैंने लिखा दिए. कभी मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको लगे कि नहीं ये क्या चीज है, तो उस वजह से आप चीजों को क्या कर सके बेटा, एनालाइज कर सके और समझ सके और उसको क्या कर सके बेटा, रिलेट कर सके. ठीक है चलो, अब हम किसमें कंसर्न रहेंगे बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस के बारे में है ना. इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, देखते हैं. पहला कौन सा फैक्टर है बेटा, डेंसिटी. पहला कौन सा फैक्टर है बेटा, डेंसिटी. दूसरा कौन सा है, टेम्परेचर. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी एंड लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ विंड. चलो अब देखो, गैसेस की बात करें, वेलोसिटी इन गैसेस कैसी आएगी बेटा, दिस इज इक्वल्स टू गामा पी बाई रो है ना. ये कैसा हो गया बेटा, रिलेशन रूट का आ गया. गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ. तो मतलब ये जो रिलेशन है देख लो कैसा है बेटा, अंडर रूट में कैसा रिलेशन आ रहा है, दिस इज इनवर्स रिलेशन. ठीक है क्लियर हो गया, रिलेशन कैसा आएगा बेटा, दिस इज इनवर्स रिलेशन. पहला वाला पैरामीटर क्लियर हो गया. चलो सेकंड समझते हैं बेटा. देखो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझते हैं अभी इसमें. टेम्परेचर के हिसाब से है, अगर मान लो एक डिग्री का चेंज आया, इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1°C है ना. जैसे मान करो टेम्परेचर पहले कितना था बेटा, 10°C था. तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1° से चेंज होती है तो उसमें स्पीड में कुछ ना कुछ क्या आता है बेटा, वेरिएशन आता है. कितना आता है बेटा, स्पीड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड. इतने स्पीड से वेलोसिटी कैसी हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है. चलो इसको और समझते हैं. देखिए अगर V0 क्या है, V0 इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस
एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान के चलो वेलोसिटी कैसी बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी थी कैसी होगी बेटा, वी इज नॉट, है ना। देन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय टी, मतलब टी डिग्री तक आपने क्या कर दिया, टी डिग्री सेल्सियस, है ना, तो डेल्टा टी यहां पे कितना आएगा बेटा, डेल्टा टी विल बिकम टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हो गया, टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमको चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वी टी वी जीरो प्लस 0.61 इंटू डेल्टा टी, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, नोट कर लेंगे यहां पे, वी टी क्या है, वेलोसिटी एट टी डिग्री, है ना, वी जीरो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बस इतने से जो वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, यानी वेलोसिटी हमारी कैसी बेटा, इट गेट्स इंक्रीज, इससे वेलोसिटी हमारी कैसी है, बढ़ती चली जा रही है इसमें। चलो थर्ड पैरामीटर हम देखते हैं यहां पे क्या था, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है इसमें, मान लो मोर वाटर, मतलब मोर वाटर कंटेंट, मोर ह्यूमिड का मतलब क्या होगा, मोर वाटर कंटेंट, पानी का जो कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा, समझो उसको, पहले क्या थी बेटा, मान लो एयर, ठीक है, ये क्या थी हमारी, एयर थी, दिस इज एयर। अब इसी एयर में आपने क्या कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, तो मान के चलो एक बड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कितने बच गया, पहले के रिस्पेक्टिव कैसे हो जाएंगे बेटा, कम, है ना, ये क्या है हमारा, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के आने से जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे बेटा, हटाने पड़ेंगे तभी तो वो बैठ पाएगा। मैं जैसे मान लो एक बेंच है जिसमें कितने हो बेटा, चार बच्चे बैठ सकते हैं, अब उसमें से मोटा आदमी आके बैठ जाए मान लो एकदम से, तो काफी पतले पतले काफी हटाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे अब जो एयर की जो डेंसिटी है, दैट मींस डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, है ना, एयर की डेंसिटी कैसी होगी बेटा, घट गई यहाँ पे, है ना, एयर की डेंसिटी कैसी होगी बेटा, घट गई। अब जब डेंसिटी घटेगी, इसका जो रिलेशन है वो कैसा था हमारे पास, देखो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखिए वेलोसिटी इन गैसेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, कुछ इस तरीके से था, है ना, तो डेंसिटी घट गई एयर की, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अगर मान के चलो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मतलब कैसा हो जाएगा, मौसम जैसा बारिश वारिश टाइप का थोड़ा सा होने लगे, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, जो स्पीड है साउंड की गैसेस में या उस पर्टिकुलर मीडियम में, वो कैसी हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। चलो क्लियर है, अब समझते एक और पैरामीटर, मान लो ये क्या है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है ना। अब विंड का डायरेक्शन देखते हैं बेटा, मान लो विंड इधर से आ जाए एक बार, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, और एक बार विंड क्या करे, इसको सपोर्ट करे, है ना, तो यहां पे जो हम पहली बात करेंगे, तो यहां पे क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल
इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये कुछ पैरामीटर्स थे सारे जिसपे क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड या गैसेस में डिपेंड करती है। तो ये सारे हो गए बेटा पैरामीटर्स, चारों क्लियर हो गए। चलो कुछ ऐसे पैरामीटर जिन पे कोई लेना देना नहीं होता, जैसे मान के चलो प्रेशर का है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसने, देखिए इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, है ना? कायदे से तो देखो यहां पे प्रेशर दिख रहा है, यहां पे पी क्या था बेटा? पी इज द प्रेशर है यहां पे, है ना? लेकिन अब देखो यहां पे क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो डेंसिटी भी क्या होती है उसी हिसाब से मैनेज होती है। ऐसे समझो जैसे मान लो एक सॉलिड है, ये कैसा है बेटा, सॉलिड है, इसकी डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस, है ना? इनके हिसाब से सॉलिड है कैसी बेटा, मैक्सिमम है कि नहीं? अब समझते हैं इसमें क्या है। देखो प्रेशर तो बढ़ेगा कब, जब वो किसी टेबल पर रख दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा बेटा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, डेंसिटी कैसी हो रही है बेटा, देखो ये भी बढ़ रही है ना? जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड ऑब्जेक्ट ज्यादा प्रेशर लगाएगा एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा कौन से गैसेस में, है ना? प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन भैया डेंसिटी भी तो बढ़ रही है। तो हमें सिर्फ इस पैरामीटर पे नहीं देखना इंडिविजुअल, हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, पी बाई रो रेशियो। किस पे देखेंगे बेटा, पी बाई रो रेशियो। अगर ये पी बाई रो रेशियो की जो वैल्यू है, जो डोमिनेट करेगा इसमें, जो ज्यादा डोमिनेट करेगा उसी हिसाब से इसकी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी, है ना? इसी हिसाब से इसकी वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, चलो तो ये ऐसा डिपेंड करता है प्रेशर पे। दूसरा कौन सा है बेटा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, कौन कौन सा होगा? देखो जैसे ये क्या है बेटा, दिस इज ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड, और इसमें जो ये डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, और क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, है ना? तो फ्रीक्वेंसी तो ऐसी चीज है जो किस पे डिपेंड करती है बेटा, सोर्स पे, है ना? तो ये जो कुछ पैरामीटर्स थे इन पे अब जैसी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से वेवलेंथ और ये एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता चला जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स थे इन सब पे क्या है डिपेंड नहीं करती, तो हमको पता लगे चारों प्रेशर पे भी नहीं करता, एम्पलीट्यूड पे भी नहीं करता, वेवलेंथ पे भी नहीं करता और फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं करता। तो क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपको बताना है कि किस पे डिपेंड करेगा। चलो आज का लेक्चर बेटा इतना ही रखेंगे, है ना? चलिए इतना ही रखेंगे बेटा।